हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसके लेक्चर्स कंप्लीट प्रोवाइड आपको करा के दिए जाते हैं। जैसे हमारे यशवाई बीकॉम क्लास की मैं बात करता हूँ जब आपका, तो कॉमर्स थर्ड का सीरीज चालू हुआ है। किसका? कॉमर्स थर्ड का सीरीज चालू हुआ है और कैसे लेक्चर्स मिल रहे उसकी भी बातें पहले कर लेते हैं, क्योंकि जो बच्चे न्यू होंगे तो उनको एक आइडिया चलना चाहिए कैसे टॉपिक्स हमारा चल रहा है। जब आप चैप्टर वन की बात करते हो चैप्टर वन आपका कितने पार्ट में डिवाइड है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर है? तीन पार्ट में आपका हर एक चैप्टर डिवाइड है, चैप्टर वन भी, टू भी, थर्ड भी। और हर एक चैप्टर से ध्यान रखना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने मिलेगा आपको। कितने क्वेश्चन? एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से रखना। तो बहुत सिंपल सी लॉजिक है कि जो बच्चे अभी से डिसाइड करें तो सिंपल सा देख लो कि अगर कोई भी दो पार्ट आप सेलेक्ट कर लो। अब वन की जब मैंने बात किया तो वन में कितने क्वेश्चंस पढ़े थे? चार क्वेश्चंस पढ़े थे। क्लियर है? चार क्वेश्चन था हमारा, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में पढ़ा। अब टू हमारा स्टार्ट हो रहा है। कौन सा स्टार्ट हो रहा है? ध्यान रखना पार्ट टू स्टार्ट हो रहा है। यहां पर ध्यान से देखो, इधर आप क्लियर नोट्स में लिखा हूं मैंने पार्ट टू, और पार्ट टू में कितने क्वेश्चन है? 1, 2, 3, 4 एंड 5, पांच टॉपिक है। लेकिन बहुत बड़ा एडवांटेज है कि भाई पांचों टॉपिक्स में से देखो, हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल आपने पहले से पढ़ के आया है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आप पहले से भी पढ़े हो, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की कहानी आपने पहले भी पढ़ी है, इवेल्युएशन ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट की कहानी आप पहले से पढ़े हो। मतलब ये आपके लिए एक लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ना, ये नया है, बाकी क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हो। ये आपको बेनिफिट्स मिलता है, ये आपको बेनिफिट्स मिलता है। क्लियर है? आज के टॉपिक की बात करते हैं, क्या टॉपिक पढ़ने वाले हो आप? बहुत सिंपल सी कहानी, बहुत सिंपल सा टॉपिक ये बोलता है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिया था, अगर बच्चों को याद होगा 14 प्रिंसिपल्स कौन से ईयर में? 1916 में दिया था प्रिंसिपल, और 14 प्रिंसिपल्स में से हम लोग करेंगे कोई भी एनी एट प्रिंसिपल्स करने वाले हैं। सर एनी एट क्यों करेंगे? बच्चे का डाउट, सर एनी एट ही क्यों करना है? क्योंकि एग्जाम में ना आपको 7 to 8 पॉइंट्स ही लिखने हैं। तो देखो इधर 14 में से ना जो सबसे सिंपल वाले हैं ना, वही 14 में से 7 to 8 पॉइंट्स आपको मैं करा के दूंगा। नोट्स में पूरा 14 है, अगर आपको कोई और पढ़ना है पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं आपको करा के दे रहा हूँ 7 to 8। देखो यहाँ पे मेनिंग पार्ट तो होगा नहीं, थोड़ी सी जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना, जो मेन चीज़ें हैं जो हाईलाइट की गई उनकी बातें हम लोग करने वाले हैं। कि ये जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने दिया था, और हेनरी फ्योल ने एक बुक लिखा है, बुक का नाम क्या था? यहाँ पे ध्यान दो, इनके बुक का नाम है इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? कभी दिया था? 1916 में, और इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। क्या पूछा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहीं पे मैं दे दूं आपको कि ये जो कॉमर्स थर्ड आपका चल रहा है, इकोनॉमिक्स चल रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग चल रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग चलेगा, जो टॉपिक्स आपके जैसे चल रहे हैं चैप्टर वन होने के बाद, जब आप चैनल मेरा विजिट करते हो तो वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिखेंगे जो मैं पूछूंगा आपसे। तो मतलब टॉपिक कराऊंगा, पूछूंगा, तो बच्चे बोलेंगे सर आपने बोला था ऑब्जेक्टिव साफ करा के दोगे, बिल्कुल देने वाले हैं, बट अभी क्या है भाई, कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। जैसे ये टॉपिक मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, ये एफ डब्ल्यू टेलर जो कि मैं पूछ चुका हूँ,
पूछ चुका हूँ। कहाँ पे दिखेगा? जब आप चैनल ओपन करते हो कम्युनिटी पोस्ट पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दिया हूँ, मतलब टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स आप लो, खुद से करते रहो, एंडिंग में तो मैं करा के देने वाला हूँ, बट अभी से आप प्रैक्टिस करते रहो कि कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, आइडिया होना चाहिए। तो इसमें टॉपिक में यही लिखा गया है। और इस और एक लास्ट सिंपल सी लाइन बोला गया है, हेनरी फ्यूल का ये कहना था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या तो छोटी है या बड़ी है, कैसा भी है भाई, किसी भी साइज में है, अगर मेरा ये 14 प्रिंसिपल फॉलो करती है तो वो बिजनेस, वो ऑर्गेनाइजेशन इजिली सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजी तरीके से सक्सेसफुल होगा, जो कि आने वाले टाइम पे ये जो आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन हमारी टीम है उसमें ये अप्लाई होते हुए दिखेगा। मतलब शायद आपके बच्चे अच्छे कनेक्ट हो जाएं हमारे चैनल पे तो ये चीज़ दिखेगी। कैसे दिखेगी? बात करते हैं प्रिंसिपल में, समझाएंगे ना भाई, टॉपिक समझा रहे हैं, टॉपिक समझा रहे कैसे, प्रैक्टिकल लेके चलेंगे। ध्यान रखना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या ये कोडवर्ड की वैसे मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है कोडवर्ड की, क्योंकि बच्चों को पहले से ही माइंड में ध्यान में होगा। पहला ध्यान रखो डिवीजन ऑफ वर्क की बात करते हैं, वर्क डिवीजन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, सेंट्रलाइजेशन की भी बात नहीं करूंगा, रेम्यूनरेशन करूंगा, स्केलर चेन चलो बात कर लेंगे, ऑर्डर इक्विटी, बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हो गया, 1, 2, 3, 4 इनफ हो गया, चलिए इनफ पॉइंट हो गया, पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। बच्चे बोलेंगे सर बहुत ज़्यादा ही फास्ट पढ़ लिए। फास्ट इसलिए पढ़ लिया क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा है ना भाई, पहले पढ़े हो तो उसको, ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है। और देखो कितना बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाया हूँ, कितने अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए नोट्स बना के रखो देखो, और कितने अच्छे अच्छे मेन मेन चीज़ों को हाईलाइट किया। अब यहाँ पे ध्यान देखो, डिवीजन ऑफ वर्क का बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, बाकी रीड करोगे तो तुरंत पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में फिट हो जाएगा। जैसे आपके मैं बात करूँ, ध्यान से देखो इधर, आपका जो सेम थर्ड में है सब्जेक्ट है या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इको एंड बिजनेस लॉ एंड आपका कॉमर्स थर्ड, मेन सब्जेक्ट आपके यही है ना, मेन सब्जेक्ट मैंने लिख दिया है, यही आपके मेन सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी आपको मैं करा के दे रहा हूँ UFA करा के दे रहा हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करा के दे रहा हूँ एंड कॉमर्स थर्ड करा के दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर जो बच्चे हमारे थे ना उनको मैंने इको भी कराया था, ध्यान से समझना पूरी कहानी समझना आप, सेम थर्ड में मैंने कराया, ध्यान से देखो इधर, तो इससे हो क्या रहता, प्रॉब्लम क्या हो रही थी वो ध्यान से समझो इधर, एक ही सर के ऊपर मतलब मेरे ऊपर कंप्लीट एक प्रेशर आ जा रहा था भाई कि मुझे वीडियो शूट करना है, मुझे भी एडिट करना, मुझे ही अपलोड करना, प्लस मुझे इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था भाई कि इतना सारे काम एक ही पर्सन के ऊपर आ रहे हैं, मतलब अगर कंप्लीट मैं ही लास्ट ईयर काम करता था, बट इस बार क्या हो गया, अगर ध्यान से समझो, अगर मैं क्या करूँ, जैसे मेरा मेन जो सब्जेक्ट है ना वो अकाउंटिंग है, मेरा मेन सब्जेक्ट अकाउंटिंग है, जितने भी अकाउंटिंग है, चाहे हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, डायरेक्ट टैक्सेशन हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो गया, मतलब प्रैक्टिकल मेरा मेन सब्जेक्ट है जिससे मैंने अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है। तो इसका मतलब है कि अच्छी नॉलेज मुझे इसमें ही होगा, अकाउंट्स में ही होगा, जितनी अच्छी नॉलेज मुझे अकाउंट्स में होगा कॉमन सी बात है भाई, उतना इकोनॉमिक्स में थोड़ी होगा, उतना कॉमर्स थर्ड में थोड़ी होगा, उतना बिजनेस लॉ में थोड़ी होगा, ऐसा पॉसिबल है क्या कि भाई एक पर्सन हर एक फील्ड में एक्सपर्ट हो, नहीं हो सकता है। तो देखो यहाँ पे उस टाइम मेरे ऊपर क्या था, हेडेक ज़्यादा था, प्रेशर ज़्यादा था, तो उसको मैंने क्या काम किया, ध्यान से समझना है, बहुत सिंपल एग्जांपल प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ। तो मैंने इस बार की बैच के लिए क्या किया, इकोनॉमिक्स के एंड बिजनेस लॉ के जो एक्सपर्ट सर हैं सरताज सर, उनको ये दो सब्जेक्ट का काम दे दिया, तो मेरे ऊपर से भाई जो पाँच सब्जेक्ट था दो सब्जेक्ट का लोड हट गया, क्लियर है। मैंने एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग का काम प्लस जो वीडियो शूट का काम किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, तो इससे क्या हो गया, मेरा वर्कलोड कम हुआ, मतलब जो एक पर्सन अकेले कंप्लीट काम करता था वो बर्डन सीधा सीधा क्या हो गया, कम हो गया, तो मेरे ऊपर से प्रेशर कम हो गया। इसका मतलब अब मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉमर्स थर्ड के लेक्चर और अच्छे तरीके से दे सकता हूँ, प्रोवाइड करा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि हेडेक मेरा कुछ तो कम हुआ। तो सेम हेनरी फ्योल का कहना था, उनका कहना क्या था, बहुत सिंपल से देखो जो एग्जाम्पल दिया वो यहाँ पे समझ लो आप, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डिवाइडेड, डिवाइड होना चाहिए, अगर आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया तो टीवाई बीकॉम में हो जाएगा, आपके और भी टीचर्स आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है। तो इससे और क्या बेनिफिट मिलेगा, यहां पे देखते हैं भाई, काम अगर डिवाइड कर दोगे किसके बीच में भाई, इंडिविजुअल्स के बीच में या फिर डिपार्टमेंट्स के बीच में डिवाइड होना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, अगर उसको लीड करेंगे भाई क्वालिटी आपको मिलेगा, स्पेशलिटी मिलेगा, मतलब इको के लिए इको की फैकल्टी आ जाएगी, जिसने मतलब
एमए इकोनॉमिक्स से किया होगा। बिजनेस लॉ के लिए कोई सीए इंटर या फिर सीए फाइनल के सर आ जाएंगे, मतलब जिनका बिजनेस लॉ पे एक अच्छी पकड़ है। कॉमर्स थर्ड के लिए आ जाएंगे हमारे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वाले, मतलब कॉमर्स के फील्ड वाले आ जाएंगे जो जिनकी कॉमर्स अच्छी है। अकाउंट्स के लिए जैसे मैं ऑलरेडी पहले से हूँ, इस तरीके से डिवाइड होंगे तो काम में लेक्चर्स में आपको क्वालिटी दिखाई देगी, क्लियर है कि नहीं। जैसे अभी आपको कॉमर्स थर्ड के लेक्चर्स में उतनी क्वालिटी नहीं मिल रही, मतलब उतने एग्जाम्पल नहीं मिल होंगे जितना कोई एक थर्ड पार्टी, मतलब जो बीएमएस किया होगा जिसने मैनेजमेंट की पढ़ाई बहुत अच्छी की होगी, वो मेरे से बेटर लेक्चर आपको प्रोवाइड करा सकता है, क्लियर है कि नहीं है। बिल्कुल सर। एंड मैनेजर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है इफेक्टिवली, जैसे मैंने बताया कि भाई मेरा कुछ वर्कलोड कम हो गया तो मैं एक कॉमर्स थर्ड का लेक्चर्स एंड एफ एम ए का लेक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इट गिव्स मोर एंड बेटर वर्क, कॉमन सी बात है, बेटर वर्क होगा एट द सेम इफर्ट। फेल सजेस्टेड सच डिविजन ऑफ वर्क टू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, जितने भी टाइप्स ऑफ वर्क हैं सब में उन्होंने बोला एक काम को डिवाइड कर दो, क्लियर है। आई होप एग्जाम्पल के साथ में समझ में आया होगा, हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कितने सिंपल सिंपल से पॉइंट यहाँ पे लिखे गए। अगला पॉइंट बोलता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों वर्ड का अगर मतलब समझते हो तो ये पॉइंट क्या बोलना चाहता है बहुत आसानी से समझ जाओगे। अथॉरिटी मतलब होता है मैंने अधिकार दे दिया, अथॉरिटी मतलब हिंदी में क्या होता है अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होती है जिम्मेदारी। तो हेनरी फ्योल का ये कहना था कि भाई अथॉरिटी के हिसाब से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अगर मैंने किसी को अथॉरिटी ज़्यादा दिया है तो कॉमन सी मीन्स अधिकार ज़्यादा दिया तो उसको वो क्या कर सकता है, मिसयूज़ कर सकता है। अरे मैंने कंपनी में किसी को एक राइट्स दे दिया, भाई अथॉरिटी दे दिया कि काम करो आप इंटरव्यू लोगे, तो वो क्या करेगा अपने रिलेशन वाले को अपने कॉन्टेक्ट वाले को क्या करेगा सेलेक्ट कर देगा, कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसका क्या कर रहा हूँ उसका वो मिसयूज़ कर रहे हैं। इसीलिए हेनरी फ्योल का कहना था भाई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर किसी के ऊपर ज़्यादा दोगे, मतलब उनके पोस्ट के हिसाब से उनके पोजीशन के हिसाब से आप जिम्मेदारी ज़्यादा दे रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे रहे हो तो सामने वाला जो पर्सन होगा ना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। मैं किसी को ज़्यादा वर्कलोड दूंगा तो कॉमन सी बात है बंदा फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं है। तो यही तो कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू फ्योल देयर शुड बी अ बैलेंस, बैलेंस होना चाहिए। किसके बीच में बैलेंस, मैंने अभी बताया ना अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस, बैलेंस किसके बीच में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी क्या होता है, अथॉरिटी इज द पावर और राइट टू टेक डिसीजन, अथॉरिटी मतलब मैंने राइट्स दे दिया ना कि भाई कोई भी डिसीजन आप ले सकते हो, क्लियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी, क्लियर है कि नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन फॉर एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी। अब आगे की बात बता रहे, अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, मस्ट बी होना ही चाहिए इक्वल, अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है बता चुका हूँ। अगर आपने अथॉरिटी ज़्यादा दिया मीन्स इफ अथॉरिटीज इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी मैंने किसी को ज़्यादा दिया तो सामने वाला क्या करेगा मैनेजर उसको मिसयूज कर सकता है, और अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़्यादा दिया है अथॉरिटी के हिसाब से तो सामने वाला पर्सन क्या हो जाएगा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्लियर है। अब इससे इजी वर्डिंग में क्या एग्जाम्पल दें ये बताइए, कुछ और एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल नहीं सर। चलिए बात करेंगे अगले टॉपिक की, डिसिप्लिन। ये तो सर पहले से ही हमको पता है भाई हर एक को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि आपकी कंपनी है या फिर टॉप लेवल हो लोअर लेवल हो तो आप टाइम पे नहीं आओ, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सबको फॉलो करना है, चाहे टॉप लेवल का है चाहे मिडिल चाहे लोअर, तो ही सक्सेस इजी तरीके से, मतलब एक डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे देखो आप कॉलेज में या स्कूल में देखोगे डिसिप्लिन रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा तभी तो आपके कॉलेज का स्कूल का जो भी रहेगा उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। डिसिप्लिन नहीं है बच्चे कुछ भी कर रहे हैं तो इससे रिजल्ट खराब होता है, उससे गुडविल खराब होता है। तो हेनरी फ्योल का ये कहना था डिसिप्लिन होना चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन का और वो सबको फॉलो करना चाहिए। देखिए क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल देयर इज ऑलवेज नीड फॉर डिसिप्लिन इन एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, अब आगे यहाँ पे इट मीन्स फॉलोइंग, ध्यान रखना फॉलो करना या फिर मेंटेन करना द रूल्स एंड रेगुलेशन। मैंने यही तो बताया जो भी कंपनी का क्लासेस का कोचिंग का कॉलेज का कंपनी का मतलब कहीं का भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सबको फॉलो करना चाहिए, मेंटेन करना पड़ेगा भाई ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाई ऑल एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय, ऐसा नहीं किसी एक के लिए, सबको फॉलो करना है। डिसिप्लिन नीड्स टू फॉलो फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल, मैंने बताया कि उनका ये कहना था ऐसा नहीं कि लोअर लेवल ही फॉलो करेगा, टॉप से लेके लोअर लेवल तक सबको फॉलो करना है, क्लियर है। डिसिप्लिन हेल्प टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने बताया अभी, अगर प्रॉपर डिसिप्लिन रहेगा तभी तो
कॉलेज वालों का अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, रिजल्ट अच्छा, तभी तो मिल सकता है। डिसिप्लिन ही नहीं है तो कहाँ से रिजल्ट मिलेगा। तो सेम कंपनी में ये रूल लगता है, यही सेम चीज़। गुड डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन अच्छा है, इज़ द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। कॉमन सी बात है, अगर आपका डिसिप्लिन अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हर एक एम्प्लॉई, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसका मतलब है लीडरशिप आपका कौन सा इफेक्टिव नेचर का है। देयर मस्ट बी ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए किसके बीच में, बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन रूल। क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए भाई, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, किसके बीच में, दोनों के बीच में। इजी पॉइंट सर, पॉइंट्स इजी था, बच्चे बोल रहे सर बिल्कुल इजी था। अगला पॉइंट सर आ रहा है यूनिटी ऑफ कमांड, इसको बाद में करेंगे, पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन समझे तो वो समझ जाएगा। डायरेक्शन का मतलब होता है, ध्यान से देखो यहाँ पे फॉलो करो, जैसे एफ ए एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बच्चे बोलेंगे सर हमारे इस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो उसकी नॉलेज आपको ज़्यादा है। अब ध्यान से समझना, आप एफ ए आप किसी और सर से पढ़ रहे हो, मुझसे भी पढ़ रहे हो, क्लासेस वाले से पढ़ रहे हो, कॉलेज वाले सर से पढ़ रहे हो, ध्यान से समझ रहे हो, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया, ध्यान देखो, मेरा रूल क्या था कि पहले मैं प्रैक्टिकल्स पे जाऊंगा, दूसरा मैं शॉर्ट नोट्स पे जाऊंगा, तीसरा मैं ऑब्जेक्टिव्स पे जाऊंगा। बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, कंपनी में ना जाके कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब हो सकता है कि जो आपके क्लासेस के सर होंगे या फिर जो आपके कॉलेज के सर होंगे, वो बोलेंगे नहीं पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा कि वो टॉपिक क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है, मतलब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, उसके बाद ही मैं प्रैक्टिकल्स पे जाऊँगा और लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स पे जाऊँगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बच्चा बोलेगा सर बिल्कुल हो सकता है भाई, क्योंकि हर एक टीचर का, हर एक सर का अपना एक अलग मेथड्स होता है भाई, जिनको जैसा बेस्ट लगता है उस तरीके से जा सकते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है, ध्यान रखना, अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज के सर ने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया, अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया। हो सकता है कि आप कहीं क्लास भी जा रहे हो तो अपोजिट बोल सकते हैं, वो बोलेंगे कि पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, कॉन्सेप्ट के बाद में मैं ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाऊँगा, उसके बाद प्रैक्टिकल्स पढ़ाऊँगा। अब यहाँ बच्चा कन्फ्यूजन में सर तीन में से कौन सा फॉलो करूँ। डायरेक्शन देने वाले तीन लोग हैं और तीनों लोग अच्छे हैं, मतलब अच्छे मीन्स हर किसी को अपनी नॉलेज है भाई, अपने अपने तरीके से नॉलेज है, उन्होंने अपने एक डायरेक्शन दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बच्चा कन्फ्यूजन में आ जाएगा, कन्फ्यूजन में आएगा कि नहीं कि भाई कौन से सर को फॉलो करूँ, कौन सा मेथड फॉलो करूँ। हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो कंपनी में भी सेम ऐसा होता है कि अगर कोई एक एक्टिविटी हो रही भाई, सेम एक्टिविटी के लिए अलग अलग डायरेक्शन देंगे लोग, तो यहाँ पे एम्प्लॉई कन्फ्यूजन में आ जाएगा किस मैनेजर के अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो इसीलिए हेनरी फ्योल का ये कहना था कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में एक एक्टिविटी हो रही है, वो भी सेम एक्टिविटी हो रही है, तो डायरेक्शन एक ही सुपीरियर देगा, एक ही मैनेजर उसको डायरेक्शन देगा और एक ही तरीके से देने वाला है, नहीं तो एम्प्लॉयज़ में कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाला है। तो बहुत सिंपल सी लाइन है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, ध्यान से पढ़ो। फ्योल का क्या सजेशन था, दैट देयर शुड बी वन हेड वन प्लान। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव से मैं जरूर पूछूंगा आपका, तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पूछा जाता है कि कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे वन हेड वन प्लान की बात होती है, तो वहां पे ध्यान रखना यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात होती है। वन हेड वन प्लान मतलब एक ही हेड होगा और एक ही प्लान चलेगा यहाँ पे इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, देयर शुड बी द सेम डायरेक्शन होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन चलना चाहिए टू ऑल एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय है डूइंग सिमिलर एक्टिविटी। अगर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में कोई सेम एक्टिविटी चल रही है तो इसका मतलब है डायरेक्शन एक ही हेड देगा, एक ही तरीके से देगा, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाली है। आगे देखते हैं, ए पर्टिकुलर एक्टिविटी मस्ट बी डायरेक्टेड बाई दी हेल्प ऑफ द सिंगल प्लान इन दी एब्सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर आपको एब्सेंस दिखता है, मतलब कमी दिख रही भाई, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की कमी है, जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया कि तीन अगर आपके टीचर्स मिल जाएंगे तो बच्चों में कन्फ्यूजन होगा कि नहीं, तो कंपनी में कन्फ्यूजन कौन होगे, एम्प्लॉई कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, होंगे कि नहीं ऐसा, बिल्कुल हो जाएंगे सर। टॉपिक समझा, बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, अगर ये समझा ना तो ये भी आप समझो, इसी का अपोजिट है। अब डायरेक्शन देने वाले तीन लोग थे, मान लो डायरेक्शन
आपने मेरे अकॉर्डिंग किया, ध्यान से समझो आप, मेरे हिसाब से गए, पहले आपने प्रैक्टिकल किया, शॉर्ट नोट्स किया, ऑब्जेक्टिव्स किया, मैंने आपको डायरेक्शन दिया था, तो आपने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लिया, और बाद में किसी और दूसरे मैनेजर को दिखाया, दूसरे किसी टीचर्स को दिखाया, तो दूसरा टीचर्स क्या बोलेगा, नहीं मुझे ये मेथड ठीक नहीं लगा, ये गलत मेथड है। इसका मतलब बहुत सिंपल सी उन्होंने बात किया, भाई जिससे आपने डायरेक्शन लिया है उसी को रिपोर्ट आप सबमिट करो, मेरा मेथड आप फॉलो करते हुए पढ़ रहे हो, तो आपको एग्जाम टाइम के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो देखना है, वो इंपॉर्टेंट है ना। तो सेम कंपनी बोलती है मेरे मेथड से गए तो उसका कितना बेनिफिट मिलेगा आपको कब पता चलेगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे, मेरा जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जिस मेथड से मैंने सिखाया उसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा, तभी आप बोलोगे कि सर ने, हाँ सर का कॉन्सेप्ट अच्छा था। अब कॉन्सेप्ट ही नहीं सी है तो क्या बोलोगे, सर कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं था, क्लियर है कि नहीं है। तो मतलब ये बोलना चाहता हूँ भाई कि अगर डायरेक्शन मैंने दिया है तो उसका रिपोर्ट मेरे को सबमिट करो, जो रिपोर्ट आएगा उसके बारे में मेरे को बताओ। तो कंपनी यही बोलती है कि मतलब जिससे ऑर्डर लिया उसी को सबमिट कर दो उसकी रिपोर्ट। क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे, हेनरी फ्योल सजेस्टेड दैट एन एम्प्लॉई शुड गेट ऑर्डर। ऑर्डर आपको कहाँ से लेना है, एक ही सुपीरियर से लेना है, अलग अलग सुपीरियर से नहीं लेना, अलग अलग टीचर से नहीं, कोई भी एक टीचर जो जहाँ से आपको ठीक लगता है वहाँ से कर दो, और उसके अपोजिट क्या होगा, इंटर्न्स द सबॉर्डिनेट शुड रिपोर्ट ओनली टू वन सुपीरियर, और एक ही सुपीरियर, ऐसा नहीं करना कि ये सर का फॉलो करो, यहाँ भी जाओ उधर भी जाओ उधर भी जाओ, कन्फ्यूजन आप भी हो जाओगे, कन्फ्यूजन सामने वालों को भी कर दोगे, क्लियर है कि नहीं है। इसीलिए बोला जाता है भाई दो सुपीरियर नहीं चाहिए, दो सुपीरियर अगर काम करेंगे सेम चीज़ों पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी एम्प्लॉई के लिए, डिसऑर्डर हो जाएगा, डिसऑर्डर क्रिएट होगा एंड कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्लियर है कि नहीं। इसीलिए बोला जाता है भाई कि ड्यूल अगर कमांड है, डबल लोग उसको करें तो वो डेंजरस है किसी भी कंपनी के लिए, क्लियर। आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। चलो अगला टॉपिक मैंने क्या बोला था, कौन सा पढ़ लो आप, सबसे इजी इजी पॉइंट्स पढ़ो, पाँच वहाँ पे पढ़ लिया, सिक्स वाला ये है, ये ध्यान रखना, मैं लिख भी देता हूँ कि आपका चलो सिक्स है, इजी है, क्या है ध्यान रखना, रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन की मतलब बात करते ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी लाइन बोलते हैं कि जब मैंने अच्छा काम करके दिया है कंपनी में, मैंने एक महीना बहुत अच्छा इंटरेस्ट लेके काम किया, तो कंपनी ने मुझे बोला कि सर आप अच्छे तरीके से काम करिए, आपको पेमेंट मिल जाएगा किसी भी मंथ के फर्स्ट तारीख को। तो मैंने बोला ठीक है भाई, पहला काम पे लगा तो बहुत अच्छे तरीके से वन मंथ काम किया, और वेट किया कि एक तारीख है सैलरी भाई अकाउंट में हमारे आ जाए। अब कंपनी ने क्या किया, एक तारीख को पेमेंट नहीं किया, मैंने बोला कोई बात नहीं, कंपनी ने बोला भाई नेक्स्ट डे करेंगे, मैंने दो तारीख का वेट किया भाई, और टाइम हो गया तीन तारीख का। अगर कंपनी ऐसे ही आगे बढ़ाती रहेगी, ठीक है, मतलब टाइम जो दिया था उस टाइम पे अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो इससे एम्प्लॉय का इंटरेस्ट उस काम के लिए, उस कंपनी के लिए कम हो जाएगा, बराबर है कि नहीं है, हो जाएगा कि नहीं सर, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब उन्होंने ये कहा था कि जो सैलरीज एंड वेजेस है वो आप टाइम पे पेमेंट करो। पॉइंट्स थोड़ा देखते हैं क्या बोला गया है, फयोल सजेस्टेड दैट वेजेस एंड सैलरीज भी फेयर, क्लियर होने चाहिए, जितने पे पेमेंट पे बात हुई थी वही पेमेंट क्लियर होना चाहिए, जितने पेमेंट की बात हुई थी वो क्लियर होना चाहिए, और आगे वो मोर इम्पॉर्टेंट वेजेस मस्ट पेड ऑन टाइम, और उसका बाद उन्होंने बोला जो वेजेस हो रहेगा ना वो आप टाइम पे पेमेंट करो, टाइम पे पेमेंट आपका होना चाहिए, इट शुड बी एज पर द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉई, एम्प्लॉई के ऊपर डिपेंड होगा कितनी उसकी सैलरी होगी, उसके पोजीशन के हिसाब से चलेगा। फ्योल ऑल्सो सजेस्टेड दैट वेजेस शुड बी सपोर्टेड बाई नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मॉनेटरी फैसिलिटी देना है, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना चाहिए, देना चाहिए, जैसे गुड मीन्स प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होना चाहिए एंड अदर फैसिलिटी, कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, इंक्लूडिंग कैंटीन फैसिलिटी आपकी होनी चाहिए, रिक्रिएशन फैसिलिटी होनी चाहिए एंड वेलफेयर फैसिलिटीज होनी चाहिए। मतलब जो मैंने मोटिवेशन का आपको पार्ट सिखाया था, मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ को दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है हमारा मॉनेटरी, सेकेंड होता है हमारा नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी का ये मतलब होता है कि वहाँ पे उनको सीधा पैसे ना देके हम लोग क्या करें, सपोर्ट करें बाय नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स, सच एज जैसे आप देख सकते हो कैंटीन फैसिलिटी था, रिक्रिएशन था, वेलफेयर फैसिलिटी था, क्लियर हो गया। चलो सिक्स पॉइंट हमने क्या किया, कंप्लीट किया, सिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक पॉइंट है सेवन, ऑर्डर की बात करेंगे, ये भी काफ़ी इजी पॉइंट से ऑर्डर की जब यहाँ पे बात होती है, ऑर्डर मीन्स यहाँ पे ये ऑर्डर नहीं, एक ऑर्डर लेना, ऑर्डर का मतलब ये होता है, हेनरी फ्योल का ये कहना था कि जो चीज़ें कंपनी में जहाँ पे फिट होती है वहीं पे रख दो उसको, क्लियर है, चाहे मैन के मैटर में हो, चाहे मटेरियल के मैटर में हो, जिस भी चीज़ों के मैटर में हो, ये ऑर्डर आप देखोगे अपने
फैमिली में मतलब घर में ज़्यादा यूज़ होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी पेपर, चाहे डॉक्यूमेंट हो गया, रिजल्ट हो गया, कहीं भी घर में अगर रख देते हैं तो कभी इमरजेंसी पड़ता है तो पेपर हम लोग को क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। बट कंपनी या फिर बैंक में जब आप देखते हो, जैसे लोन डिपार्टमेंट है, तो लोन डिपार्टमेंट अपना पेपर एक जगह उसको अलग से रिकॉर्ड करके रखता है। तो सेम हेनरी फेल का यही कहना था भाई कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं उसको आप प्रॉपर जगह पर रखना है। चलिए रीड करते हैं क्या कॉन्सेप्ट है ये। प्रॉपर ऑर्डर मीन्स क्या होता है, नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है, अकॉर्डिंग टू फ्यूल देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग। उनका ये कहना था हर एक चीज के लिए एक फिक्स प्लेस होता है एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाएगी, ये चीज आप पढ़ लेना, क्लियर है। सिंपल लाइन है, प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए एक प्लेस होता है एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस, उसके प्लेस पे वो होनी चाहिए। देयरफॉर द प्रिंसिपल्स रिक्वायर द ऑर्डरली ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्लेसमेंट ऑफ मैन। अब सबकी बात इन्होंने किया इसमें, मीन्स मैन की बात हुआ है, मशीन्स की बात हो रहा है या फिर अदर कोई भी रिसोर्सेस हो रहा है, जो जहाँ पे ठीक है उनको उसके जगह पे रखना चाहिए। अगर आपने मिसप्लेसमेंट किया है ऑफ एनी काइंड, तो इससे जो आपका ऑब्जेक्टिव्स है वो सही नहीं होगा। मतलब जैसे अगर मुझे किसी को अकाउंटिंग पोस्ट पर रखना है, तो जो स्टूडेंट्स ने या फिर जिस जिसकी क्वालिफिकेशन आपकी अकाउंटिंग फील्ड की होगी, तो वो आपका बेटर परफॉर्मेंस वहाँ पे कर सकते हैं। मतलब अकाउंटिंग फील्ड के लिए आप किसी भी अकाउंटेंट को रखोगे जिसकी क्वालिफिकेशन अकाउंट से हुई है। आई होप ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका लास्ट, आपका इक्विटी सबसे जी है। इक्विटी का ये मतलब है कि भाई इक्विटी नाम मेंशन कर रहा है, समानता होनी चाहिए कंपनी में। क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। मतलब जितने भी आपके एम्प्लॉई है सबको समान तरीके से आपको लीडरशिप करना है, गाइड करना है, मोटिवेट करना है एंड प्रॉपर उनके साथ इक्विटी बना के चलनी है। पॉइंट्स क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रिलेट्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। किस तरीके से आप अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रीटमेंट करते हो, डीलिंग विद द सबॉर्डिनेट शुड बी फेयर। फेयर होना चाहिए मतलब हर एक तरीके से, मतलब सेम समान तरीके से हर एक एम्प्लॉई के साथ आप डील करो। देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द काइंडनेस एंड जस्टिस, दोनों चीज होना चाहिए, काइंडनेस एंड जस्टिस होना चाहिए आपका जब आप अपना डील कर रहे हो जितने भी आपके एम्प्लॉई हैं। देयर मस्ट नॉट बी एनी, कोई भी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए अपने एम्प्लॉई को लेके, किस मैटर को लेके, मीन्स ट्रांसफर को लेके, प्रमोशन को लेके या फिर सैलरी पेमेंट को लेके। मतलब जिसका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा, जिसकी जैसी मेहनत रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका ट्रांसफर या फिर इंक्रीमेंट करना है, बोनस इंसेंटिव या फिर कोई भी चीज़ हो गया उसके अकॉर्डिंग ही करना है। तो यहाँ पे हम लोग ने कंप्लीट किया कितने, 8 पॉइंट्स जो मुझे ईजी लगते हैं। बाकी नोट्स में आपको कंप्लीट 14 पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी पहले दे दियो, फर्स्ट वीडियो से लेके अभी तक की वीडियो में है। 14 में से कोई भी 8 पॉइंट्स आप क्या करो, क्लियर करके रखो, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई भी 8 पॉइंट ही आएगा या फिर मेंशन करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल, तो वहां पे 7 to 8 पॉइंट्स आपको लिखना है इंट्रोडक्शन के साथ में। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, क्योंकि किस तरीके से पूछा जाएगा, कितना लिखना है, ये क्लियर बता चुका हूं, क्लियर है। इसीलिए 8 पॉइंट्स एक्सप्लेन भी किया है, क्योंकि 14 पॉइंट्स अगर एक्सप्लेन करता है वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी और आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। 8 पॉइंट्स आपको कोई भी एग्जाम में लिखना है, तो आपको जो सबसे इजी पॉइंट्स लगेगा वो आप प्रेफर कर सकते हो। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है, तो नीचे कॉमेंट में ऐड करो, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो हमारे SY BCom वाले बच्चों को चैनल का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।